नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड काउंसलिंग का एक रिजल्ट का एक बड़ा सा अपडेट निकल कर आया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है एक बड़ा सा अपडेट दिया है कि जो फर्जीवाड़ा जो काउंसलिंग हुई थी, यानी फर्जीवाड़ा काउंसलिंग के लिए अप्लाई हुआ था, उसका जो आयोग है वो जिम्मेदार है। और वह आयोग है अभी क्या कर रहा है कि आयोग ने सभी फर्जीवाड़े काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई हुई थी तो उसके फॉर्म सभी के रद्द किए गए हैं। आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट जो स्टेटस है वो चेक कर दीजिए, आपका भी फॉर्म रद्द न हो जाए यदि आपने फर्जीवाड़ा काउंसलिंग की है तो। ज़रूर बताएं आप मुझे कमेंट करके कि क्या क्या आपके जो काउंसलिंग का जो स्टेटस है वो कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ा सा अपडेट देने वाला हूँ। जो काउंसलिंग जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग की थी और फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था तो उसका ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है वो सेकंड काउंसलिंग में आएगा। और सेकंड काउंसलिंग के लिए एक बड़ा सा अपडेट जो निकल कर आया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद ट्वीट करके बताया है कि अब जो काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग होगी उनमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, सेकंड काउंसलिंग के रिजल्ट में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, एकदम सही सही रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन क्या अपडेट बताया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो ये आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न कराई गई प्री डीलेड डीएलएड परीक्षा के बाद काउंसलिंग के दौरान कई छात्रों द्वारा गलत दस्तावेज पेश करने की शिकायत पर विभाग गंभीर है। ऐसा करने वाले सभी छात्रों का प्रवेश रद्द होगा, किसी भी सूरत में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा सा अपडेट निकल कर आया है। दूसरा अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 36 मिनट पहले ही एक अपडेट आया है। प्री डीएलएड परीक्षा के बाद काउंसलिंग पर दिया बयान, श्रीमान शिक्षा मंत्री जी ने कहा, गलत दस्तावेज पेश करने की शिकायत पर विभाग जो है गंभीर है। अब कई छात्रों द्वारा जो गलत जो दस्तावेज पेश किए गए थे उन पर उनका जो फॉर्म है, जो उनका सभी छात्रों के जो छात्रों का जो प्रवेश है वो रद्द किया गया है। और काउंसलिंग का जो रिजल्ट अब की बार आने वाला है इसलिए डिले हुआ है। अब काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 5 तारीख तक है आ जाएगा, ये भी बयान है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फर्जी दस्तावेजों में से प्रवेश पर चलेगा डंडा। डीएलएड में बस दस्तावेज सत्यापन को लेकर सख्ती, जांच के बाद होगी दूसरे राउंड की काउंसलिंग। पंजीयन शिक्षा विभाग की परीक्षा का नया फरमान। फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ मतलब ऐसी गलतियां भी हुई थी जिससे अच्छे मतलब जिनके अच्छे मार्क्स आए उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो अब दूसरी सेकेंड काउंसलिंग जो है वो एकदम सही काउंसलिंग के आने वाला है काउंसलिंग का रिजल्ट, तो इसलिए वो डिले हो गया है, थोड़ा रिजल्ट है वो लेट हो गया, क्योंकि जो आयोग है पूरा चेक कर रहे हैं और चेक करने में जाँच करने में जो है उनको पूरा का पूरा जो समय दे रहा है। तो जल्द से जल्द ही जो है काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, बस आपको इंतज़ार बगाए रखना है। तो बस आपको यही अपडेट देनी थी, इसलिए आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है लेटेस्ट वीडियो की अपडेट लेटेस्ट पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।